पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक विधानसभा इटवा जनपद सिद्धार्थनगर माता प्रसाद पांडे का 99 वर्ष के लिए आवंटित मकान प्रशासन द्वारा खाली कराया जा रहा है। माता प्रसाद पांडे का आरोप है कि उनका मकान 99 वर्ष से पहले ही खाली कराया जा रहा है। तो कहना है कि शासन द्वारा गलत तरीके से इनका नाम निरस्त कराया गया, सरकार के दबाव पे प्रशासन द्वारा जबरदस्ती मकान को खाली कराया जा रहा है। कितने साल के लिए पट्टा आपको मिला था? मनोज शर्मा के जीवन पर आधारित पुस्तक 12th फेल का विमोचन आज ग्वालियर में सिविल सर्विसेज अकादमी द्वारा आयोजित किया गया। मनोज शर्मा ने अपने उद्बोधन में जीवन में आने वाली कई विषम परिस्थितियों को छात्रों के साथ साझा किया। उनके जीवन की सच्ची घटनाओं ने छात्रों के जीवन में फिर से उम्मीद की किरण दिखा दी, जो छोटी छोटी असफलता को ही अपनी किस्मत से हार मान चुके थे। मनोज शर्मा के जीवन के हर उदाहरण छात्रों को जोश से भर रहे थे। एक इतना बेहतरीन प्रोग्राम आपने कराया है ग्वालियर के छात्रों के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ युवा जाएगा इस प्रोग्राम से, क्या उम्मीद जागी है? मेरा कोशिश है कि अंचल में जो प्रतिभाएं हैं, जो किसी कारण से दिल्ली तक मार्गदर्शन लेने के लिए नहीं जा पाती है या उनके पास आर्थिक संसाधन सीमित है, उन लोगों को बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध करवाऊँ, जिससे वो सिविल सर्विस की परीक्षाओं में उच्चतम स्थान प्राप्त करें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें।
मतलब एक सटीक मार्गदर्शन, एक सटीक रणनीति एग्जाम के अनुसार कैसे एग्जाम को क्रैक करवाया जाए, क्या रणनीति बनाई जाए, कितना ध्यान दिया जाए, राइटिंग स्किल पर कैसे ध्यान दिया जाए, जो पूरा एग्जाम का पैटर्न है वो अपना प्रयास रहता है। और हमेशा यह प्रयास रहता है कि बच्चे को सारा मार्गदर्शन यही मिल जाए, उसे कहीं बाहर भटकना ना पड़े। ठीक, मनोज शर्मा जी की स्पीच से क्या परिवर्तन आएगा बच्चों के अप्रोच में? मनोज इस अंचल के लिए एक प्रेरणा है और उसने जो अपने जीवन में संघर्ष करके एक स्थान प्राप्त किया है, निश्चित रूप से सभी लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी, सभी लोग उससे उत्साहित होकर और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसान है आसान महसूस करेंगे। रोल ये अपने बच्चे की उपलब्धि पे कितना, मतलब क्या भावना आ रही है मन में, क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे की उपलब्धि? बच्चे तो दोनों ही हैं, चाहे अनुराग हो या मनोज, दोनों ही बेटे हैं। आप दोनों के संबंध में पूछ रहे हैं, मनोज के संबंध में, अनुराग के, दोनों ही बेटे हैं और दोनों की उपलब्धि प्रशंसनीय है, आनंदित करती है, बहुत अच्छी लगती है। ये किताब इन्होंने पहली लिखी है या और भी लिखी है? पहली, इसके पहले कहानी संग्रह लिखा है, उसका नाम था पाठ से पर क्रांति, ये लगभग 2 साल। इसके बाद इन्होंने उपन्यास लिखा, ये उपन्यास लंबा टाइम हो गया, ये साल हो गया। सर जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको सबसे पहला मेरा ये है कि उनको पढ़ना बहुत तो है ही, लेकिन साथ में लिखना हम लोग लिखते इसलिए हम सेट जो पेश तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को बार 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 लिख कर सीखना हो फिर वो सीखेंगे। एक सर अंग्रेजी का जो आपने बताया वास्तव में इस क्षेत्र में जो समस्या है, तो आपने अपनी अंग्रेजी कैसे इम्प्रूव करी, क्या बच्चों को कहना चाहेंगे कैसे वो अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करें? अंग्रेजी को हवा हमने बनाया है, अंग्रेजी थोड़ा हवा है नहीं, थोड़ा भी अगर लड़ना शुरू करेंगे तो हम लोग उसको बहुत आगे से जा सकते हैं। इस हवे को, ये डर को दिमाग से निकालना चाहिए और वो अपना धीरे धीरे भिंड मुरना बढ़ रही है, आगे बढ़ रहे हैं, इसे निकल रहे। थैंक यू। ब्रजभूमि फाउंडेशन के द्वारा ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी के सभागार में नारी शक्ति को प्रणाम एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री माया सिंह उपस्थित रही। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री माया सिंह के द्वारा सम्मान कला, साहित्य, हेल्थ, स्पोर्ट, फैशन, सोशल सेक्टर आदि अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं को सम्मानित किया गया। जहां सरकार हर गरीब को आवास देने का वादा करती है, तो वहीं ग्राम प्रधान देश की योजनाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बहराइच विकास खंड विश्वेश्वरगंज के ग्राम पंचायत राजापुर गिरण पे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर धन उगाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्होंने मेहनत मजदूरी करके प्रधान को 1,000 रुपए दिए थे, लेकिन तब भी प्रधान ने आवास नहीं बांटे। पिताजी का नाम बताओ। ग्राम पंचायत राजापुर विकास खंड विशेषरगंज जनपद बहराइच। ये बताइए भाई साहब, ये आपका घर जो है गिरा पड़ा हुआ है, पोलोथिन तो नहीं है, ये बताओ आपको आवास क्यों नहीं मिला? प्रधान जी से कहा जाता है। अरे प्रधान से आपने कहा? हाँ। तो प्रधान ने क्या जवाब दिया? प्रधान जी कहीं रुको भी आएगा तब। क्या कहा प्रधान जी? कहें थोड़ा सामने आ जाओ कैमरे के। आप क्या कह रही हैं? बताओ बताओ। आपने प्रधान को आवाज के लिए पैसा दिया था? थोड़ा कपड़ा नीचे करो। कितना पैसा दिया था? 1,000 रुपए आवाज के लिए लिया, आप लोगों को आवाज नहीं मिला। अच्छा क्या कहा था जब पैसा लिया था? अच्छा ये बताओ शौचालय तुमको मिला? शौचालय मिला। शौचालय का कितना रुपया मिला? 12,000। उसमें अपने पास से आप लोगों ने शौचालय बनवाया कि प्रधान ने बनवा दिया था? पैसा उन्होंने दिया था। अच्छा लेकिन आवाज जो है तुमको नहीं मिला, 1,000 रुपया आवाज के लिए लिया? लिया। ठीक, वीडियो कॉलिंग कराई ना मतलब। अच्छा फिर लेकिन आवास नहीं मिला? नहीं, नहीं, नहीं। बैठे, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। इसी राजापुर गिरंड में रहती हो? हाँ, हाँ। ये बताओ तुम्हारा घर ये गिर रहा है? हाँ, हाँ, हाँ। ये घर तुम्हारा गिरा पड़ा है? हाँ। इसी में रहती हो? हाँ, हाँ। तुमको कॉलोनी नहीं मिली? नहीं मिला। प्रधान से कह रहा? कह रहा। तब का कहें प्रधान?
प्रधान का कहें? वह फोटो खींच ली नहीं थी, थड़िया का कुछ कहीं नहीं। कुछ पेंशन उसन आपको मिलता है? हाँ पेंशन हमें मिला। अच्छा, लेकिन कॉलोनी नहीं मिला। हाँ। इसी में अपना गुजर बसर हाँ, कर रही हो? हाँ बाप, हमें हम गुजर बसर करी थे, का करी बैठे। हमारे कोई है ही नहीं। अच्छा, बिटिया है। हाँ, हाँ। अच्छा, आवाज नहीं मिला। माँ है तो भैया, और माता जी आप बताओ। हाँ। ये आपका मकान है? हाँ। अच्छा, जिसकी छत नहीं है? हाँ। पुरानी दीवार है? हाँ। इसी में रहती हो? हाँ। हाँ। तो आवास के लिए प्रधान से आपने मुलाकात किया था? प्रधान का 1000 रुपया देकर लिखावागा भैया। अच्छा, लेकिन आवाज नहीं मिला। अपना नाम बता दो। बिट्टी नाम है। बिट्टी। हाँ। आप अपने पति अपने लड़के का नाम बताओ। इनके सुंदर नाम है, इनके लड़का इनके आदमी पप्पू। अच्छा, लेकिन आवास नहीं मिला। भाई 1000 रुपया लिया। धन्यवाद। हरदोई आश्रम पति विद्यालय चटिया धनवार के बच्चे विद्यालय में खाना, बिजली, पानी, पुस्तकों आदि की व्यवस्था ना होने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बच्चे लगातार प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे थे। पुलिस के रोकने पर बच्चे नहीं रुके तो बच्चों पर पुलिस के द्वारा प्रदर्शन को रोकने के लिए लाठी चार्ज कर दिया गया, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को बढ़ता देख बच्चों ने स्कूल से डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए डीएम आवास पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने थाने का गेट बंद कर दिया और उन पर लाठी चार्ज कर दिया। राजकीय आश्रम विद्यालय से आए हैं, हमारी पढ़ाई की वहाँ बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए हम डीएम के पास जा रहे हैं और रास्ते में हमें पुलिस वालों ने घेरा और लाठी चार्ज की, इसलिए मैं बेटागोड़पुर थाने में मैं जब बच्चों से बात कर रहा था और सुबह से मुझे इस घटना की जानकारी मिली थी, मैं मंत्री जी के साथ व्यस्त था, तो अपने समय का अपना जो समय होता है जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, आप विद्यार्थी जीवन में होते हैं, उस समय के मैं वाक्य याद कर रहा था। तो मैंने बच्चों के साथ वही वाक्य शेयर करे, मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि हम सब जिसको भी आज वो सफल मानते हैं या जिसको भी आज वो किसी कैरियर में देखते हैं, वो सब किसी न किसी एक संघर्ष के दौर से गुजरे हैं। हम सब ने अपने विद्यार्थी जीवन में इस तरह के संघर्ष देखे हैं। वो छात्रावास के संघर्ष हो सकते हैं, वो बस को लेके है, पास को लेके संघर्ष हो सकता है, वो माता पिता के साथ संघर्ष हो सकता है। तमाम तरह के संघर्ष से गुजर कर ही हम तराशने के बाद कुछ बन पाते हैं। तो मेरा बच्चों को बात करके उनको प्रेरित करने का मकसद था कि कमियां ज़रूर हैं, कमियों को हम दुरुस्त कराएंगे, जो कमियां जनपद स्तर से हो सकती हैं उनको जनपद से दूर कराएंगे, शासन से जो मांगे हैं उनको भी रखा जाएगा, उनको भी पूरी कराया जाएगा, पर बच्चों को अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, संघर्ष से जूझने की ताकत अपने अंदर होनी चाहिए और उसी से वो आगे कुछ जीवन में पा पाएंगे। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले की सदर तहसील में अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर लेखपाल काम बंद कर धरने पर बैठ गए। लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष रामनेश विशाल ने बताया कि हम लोगों का यह धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चल रहा है। अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ये लोग सुबह 10 बजे से धरने पर बैठे हैं और ये धरना शाम 4 बजे तक चलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी 3 सितंबर को धरना प्रदर्शन हो चुका है। आगामी 27 सितंबर को प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में जिला महामंत्री प्रतिनिधि के रूप में जाकर समस्याओं से अवगत कराएंगे, जिसके बाद दिशा निर्देश मिलने पर अमल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किस बात को लेकर बैठे, क्या है मांगे? ये मांगे स्थिति विसंगत है, वेतन उच्चीकरण है और सागर रिव्यू है, पेंशन विसंगत है, भत्तों में वृद्धि है, मतलब आज मिलाकर 13 कुल मांगे हैं। 13 मांगे? हाँ। तो कब से बैठे हैं और कब तक बैठेंगे आप? 10 बजे से 4 बजे तक बैठे हैं। एक बार पूर्व में 3 सितंबर को हो चुका है और आज एक दिवसीय है। 27 सितंबर को प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और जिले से हमारे श्रीमान जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय जिला मंत्री जी यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे और यहाँ की समस्याओं से अवगत कराएंगे और वहाँ से फिर आगे आगामी रणनीति तय की जाएगी। अभी कोई आश्वासन मिला या नहीं? आप आश्वासन 5 रुपये प्रति आवेदन के रूप में एक शासन आदेश निर्गत हुआ है, जाता निवास के आवेदन के ये भत्ता के रूप में प्राप्त कराया जाएगा या इसे शासन आदेश निर्गत।
सारी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे आप? अगर सारी मांगे नहीं मानी जाती जैसा प्रांतीय नेतृत्व आएगा वैसा होगा, और हालांकि इस बार कठोर आंदोलन होगा, आठ बार की लड़ाई होगी, और नहीं तो सरकार का इसका खामियाजा भुगतना। ये आंदोलन कहाँ तक चल रहा है जी? ये आंदोलन आपके जिले में चल रहा है कि और पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है? क्या नाम है आपका? राम नरेश मिश्रा। किस पद पर हैं? मैं सदर तहसील फतेहपुर का। दौसा में न्यायालय के मंदिर में ही न्याय को ही कुचल कर रख दिया गया। मामला दौसा कोर्ट का है, जहां पर न्याय के लिए आई एक महिला को न्यायालय में ही अपने अधिवक्ता की सीट पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। ये नजारा देख कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दौसा कोतवाली पुलिस ने महिला को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया। यहाँ तो डेड आ चुकी आई थी, उसके काफ़ी जगह चाकू के निशाने थे पैरों में, दो टांगों में एक्सपायर थी। ये आज कोर्ट परिसर में आई थी अपने, उसका इसके पति का मुकदमा चल रहा है, उससे एकदम आई थी। तो मैं मालूम पड़ा कोई जोर से चाकू मार दिया, जाके देखा एक तो किस हथियार से क्या मारा? चाकू। चाकू कितने बार हैं कुछ है सर? ये तो अभी कोर्ट परिसर का मामला, कौन सी कोर्ट का है? कोर्ट परिसर, न्यायालय परिसर के बाहर की तरफ। वकील साहब के यहाँ बैठी थी सर।